लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए ही सॉल्यूशंस चैनल और टाइमली वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए। इससे पहले की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स में मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देखा और उसके यूजेस देखे। आई होप कि वो आपको क्लियर हो गया होगा। और मैंने मैट्रिक्स के बारे में भी आपको बताया था कि किस तरह से वो रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें रॉज और कॉलम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी मैंने दिया था। आज हम जो करने लगे हैं वो है एक्सरसाइज 1.1। 1.1 में पहला क्वेश्चन है, फाइंड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ऑर्डर मालूम करना है। सबसे पहले तो इसका कॉन्सेप्ट हम जनरेट करते हैं। कॉन्सेप्ट इसका किस तरह से है? इसका कॉन्सेप्ट दो चीज़ों पर बेस करता है। दो चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक है रॉज और दूसरे हैं कॉलम्स। पहली वीडियो में भी मैंने बताया था, उसको मैं दोबारा से रिपीट कर दूँ, ये वही इमेज है जो कि आपने उस वीडियो में देखा था। इसमें एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक चार एंटिटीज़ नज़र आती हैं, ए बी सी डी, ठीक है। इसमें रॉज के बारे में मैंने आपको बताया था, दाएं से बाएं जो सीधी लाइन जाती है, यानी कि ए बी ए की लाइन में लिखे गए हैं तो ये एक रॉ होगी, सी डी ए की लाइन में लिखे गए हैं दाएं से बाएं तो ये दूसरी रॉ होगी, ए सी ए की लाइन में अप एंड डाउन वर्टिकली लिखे हुए हैं तो ये कॉलम होगा, बी डी ए की लाइन में लिखे गए हैं तो ये कॉलम टू होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो रॉज हैं, जो आप स्क्रीन पे अपना मैट्रिक्स देख रहे हैं, इसके अंदर जो रॉज हैं वो दो हैं और जो कॉलम हैं वो भी दो हैं। ऑर्डर को लिखने का जो तरीकाकार होता है वो क्या होता है? लेट्स सपोज कोई मैट्रिक्स आपके पास एम है, उसमें ऑर्डर अगर आपको बताना पड़े, उर्दू में इसको मरतबा कहते हैं, ऑर्डर अगर आपको बताना पड़े तो ये होगा नंबर ऑफ रॉज डैश, फिर बाय लिखते हैं, फिर डैश और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। मतलब रॉज की तादाद, फिर डैश, फिर बाय, फिर डैश, फिर कॉलम की तादाद लिखते हैं। अगर हम इसी मैट्रिक्स की बात कर लें जो ए बी सी डी लिखा हुआ है, इसके अंदर ऑर्डर कितना होगा? इसके दो रॉज हैं और दो कॉलम हैं, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें जो ऑर्डर बनेगा वो होगा 2x2। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो ये हमारे पास है पहला क्वेश्चन और इसमें ये मैट्रिक्स जो है वो दिए गए हैं ए से लेकर एच तक। सबसे पहले हम पहला देख रहे हैं, ठीक है, ए के बारे में हम देख रहे हैं। ए दरअसल वैसा ही है जो ए बी सी डी आपने देखा, ए और बी दोनों एक ही हैं, ठीक है, इनका ऑर्डर एक ही बनेगा। तो ए की अगर हम बात करें, दो और तीन एक ही लाइन में है, इसका मतलब एक रॉ हो गई। माइनस पाँच और छः एक ही लाइन में है, मतलब ये दूसरी रॉ हो गई। दो माइनस पाँच एक कॉलम में है, वर्टिकल लिखे हुए हैं तो ये एक कॉलम हो गया। तीन छः एक दूसरा कॉलम हो गया, ठीक है। यानी जो रॉज हैं वो दाएँ से बाएँ लाइन जो होगी वो रॉ कहलाएगी और कॉलम जो है वो वर्टिकली होता है, ठीक है। एंटिटीज़ आपने नहीं देखनी, एंटिटीज़ क्या हैं क्या नहीं हैं। अगर वो एक ही लाइन में हैं, ठीक है, अप एंड डाउन, तो वो एक कॉलम होगा। अगर वो लेफ्ट टू राइट एक ही लाइन में हैं तो वो रॉ होगी, ठीक है। एंटिटी कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहले के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर दो रॉज हैं और दो कॉलम हैं, तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 2x2। इसी तरह से बी तो सेम है, उसका भी 2x2 होगा। सी की तरफ हम चलते हैं। सी देखिए, सी के अंदर कितनी रॉज हैं? दो और चार एक ही लाइन में आते हैं, तो इसका मतलब है एक रॉ हुई, ठीक है। ये दो देखें, एक अलहदा वर्टिकल कॉलम बनाता है और ये चार एक अलहदा वर्टिकल कॉलम बनाता है, तो इसका मतलब इसके अंदर दो कॉलम हुए। तो इसका जो ऑर्डर हुआ वो हुआ 1x2। इसी तरह से अगर हम डी की बात करें, डी के अंदर कितनी रॉज हैं? चार देखें एक अलग लाइन में है, जीरो एक अलग लाइन में है और छः एक अलग लाइन में है, दाएँ से बाएँ मैं बात कर रहा हूँ। तो रॉज इसके अंदर होगी तीन और इसके अंदर कॉलम कितना है? चार, जीरो और छः एक ही लाइन में है अप एंड डाउन, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कॉलम जो है वो एक हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के इसका जो ऑर्डर हुआ वो हुआ 3x1, यानी रॉस बाय कॉलम। इसके बाद नेक्स्ट जो है, मैं एफ़ के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ई जो है वो आप खुद करेंगे, मैंने कॉन्सेप्ट आपको दे दिया। एफ़ के अंदर सिर्फ 2 है, ठीक है। तो एक ही लाइन में दाएं से बाएं अगर आप देखें तो 2 ही आता है, यानी कि एक रॉ हुई। और एक ही लाइन में ऊपर से नीचे देखें तो सिर्फ एक ही आता है, वो 2 है, ठीक है। तो कॉलम भी एक हुआ, तो इसका मतलब है कि एफ़ का जो ऑर्डर हुआ वो हुआ 1x1, ठीक है। इसी तरह से जी भी है और इसी तरह से एच भी है। अगर हम जी की बात करेंगे तो जी का जो ऑर्डर है, देखिए इसके अंदर तीन रॉज हैं और तीन इसके अंदर कॉलम हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है जी का जो ऑर्डर है वो हुआ, मरतबा जो है वो हुआ 3x3, ठीक है। इसी तरह से आप फाइंड करेंगे बी, आप फाइंड करेंगे एच और आप फाइंड करेंगे ई का ऑर्डर, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये बता सकते हैं, ठीक है। कोई मसला है तो उस बारे में भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। खैर, दूसरा क्वेश्चन जो है
देखते हैं कि वो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इक्वल मतलब उनकी एंटिटीज सेम हो, ठीक है, सेम हो और पोजीशन भी सेम हो। मतलब अगर ए बी लिखा हुआ है तो वो बी ए के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो चले हम देखते हैं, यहाँ पे ए हमारे पास है, ए कितना है, तीन है, और कोई तीन बनता है, हाँ जी ये सी देखें, फाइव माइनस टू, ठीक है, थ्री बनता है, तो ए इज इक्वल टू सी। इसी तरह से बी को देखें, थ्री फाइव, थ्री फाइव कोई और बनता है, थ्री फाइव थ्री फाइव थ्री फाइव थ्री फाइव, हाँ जी आई को देखें, थ्री है और थ्री प्लस टू फाइव होता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बी इज इक्वल टू आई हुआ, ठीक है। तो हमारे पास ए हुआ, सी हुआ, बी भी हो गया और आई भी हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डी को, ठीक है, डी किसी के इक्वल है, डी देखें ये थ्री है, ये थ्री फाइव, अब ये बी और डी आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि पोजीशन भी चेंज नहीं होनी चाहिए, थ्री फाइव मतलब थ्री फाइव ही होना चाहिए, दूसरा फाइव थ्री भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमारे पास डी जो है वो किसी के साथ मैच नहीं होता, ठीक है, इसको मैं आखिर में लिख दूंगा, ठीक है, पहले जो मैचिंग वाले हैं उसको लिख लेते हैं। अच्छा ई की बात करते हैं, ई जो है वो देखिए 4602 और ये एच भी देखिए 4602, ये आपस में इक्वल हैं। इसके अलावा और कोई मैच होता है इसमें से, और ये देखिए 2 प्लस 2 4 और 2 प्लस 4 6 और 2 माइनस 2 0 और ये 2, अब आप देखेंगे ये इनके साथ बिल्कुल मैच कर गया, ठीक है। तो ई एच और जे ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एफ बचता है, ठीक है, एफ हमारे पास 26, 3 माइनस 1 जी को देखिए 2 आता है और 3 प्लस 3 6 आता है, तो ये 2 और 6 ये भी हो गया, एफ इज इक्वल टू जी आपके पास होता है, ठीक है। डी किसी के साथ मैच नहीं करता, एफ इज इक्वल टू जी होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, फाइंड ए बी सी एंड डी। ये ए बी सी डी जो है वो दरअसल वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यू आपको मालूम करनी है, ठीक है। वेरिएबल मतलब एक यूँ समझ लिए कि एक बॉक्स है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हैं, ठीक है। ए एक बॉक्स है, अगर यहाँ पे हम ए की बात करें, ए एक बॉक्स है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हैं, ए इज इक्वल टू 10 हो सकता है, ए इज इक्वल टू 1 हो सकता है, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक बॉक्स है, एक मेमोरी बॉक्स है जिसके अंदर कोई भी आप नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। तो ए बी सी डी जो है वो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यू हमने यहाँ से मालूम करनी है, जो मैट्रिसेस हमें यहाँ पे दिए गए हैं। अब सबसे पहले देखिए ए प्लस सी है, ठीक है, और यहाँ पे ए प्लस टू भी है, सी माइनस वन है, फोर डी माइनस सिक्स है, और इसी तरह से दूसरी तरफ भी मैट्रिक्स ही दिए गए हैं। इनमें से हम इक्वेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, किस तरह से हम निकालेंगे इक्वेशन को, पहले को आप पहले के साथ जोड़ देंगे, यानी कि ए प्लस सी लिखेंगे इज इक्वल टू, और इधर इसी पोजिशन पर कौन सा है, ज़ीरो है, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी, ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर हम इसकी बात कर ले सी माइनस वन, ठीक है, इज इक्वल टू, और सी माइनस वन की पोजीशन पर यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे थ्री है, ठीक है। तो इस तरह से हम इक्वेशन बना सकते हैं इसमें से, ठीक है। तो देखिए किस तरह से इक्वेशन बनेगी, ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है, दोनों मैट्रिक्स में उसी पोजीशन पर जो भी है वो लिखें, और दरमियान में बराबर लिखा हुआ है तो दोनों के दरमियान में बराबर डाल दें, सिंपल, ठीक है। पहली इक्वेशन बन गई, दूसरी इक्वेशन देखिए सी माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। तीसरी इक्वेशन हम देखते हैं, टू ए प्लस सॉरी ए प्लस टू बी इज इक्वल टू माइनस सेवन, दूसरे मैट्रिक्स में उसी पोजीशन पे माइनस सेवन है। इसी तरह से लास्ट जो है वो है फोर डी माइनस सिक्स इज इक्वल टू टू डी, ठीक है, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फोर। अब हम वो इक्वेशन पहले सॉल्व करेंगे जिनमें एक वेरिएबल आ रहा है, ठीक है। एक वेरिएबल से मुराद, वेरिएबल मैंने आपको बता दिए ए बी सी डी, ये वेरिएबल्स हैं जिनमें एक वेरिएबल मौजूद है, यानी कि पहले में देखिए ए और सी दो वेरिएबल मौजूद हैं, दूसरी इक्वेशन में देखें एक वेरिएबल है, ठीक है। तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, पहले वही सॉल्व होंगे जिनके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ सी आ रहा है सेकंड इक्वेशन के अंदर बाय सॉल्विंग इक्वेशन टू, तो मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, माइनस वन उधर चला जाएगा तो ये प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। सो सी इज इक्वल टू फोर, ठीक है, क्लियर हो गया ये। आगे चलते हैं, अब मैं दूसरा देखता हूँ कि क्या कोई दूसरी इक्वेशन ऐसी है जिसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू है। यहाँ पे देखिए थर्ड में ए और बी दो आ रहे हैं, आखिर वाले में देखें सिर्फ डी है, बी दो जगह पे है लेकिन है तो सिर्फ डी, दूसरा वेरिएबल तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लेते हैं बाय सॉल्विंग इक्वेशन फोर, इक्वेशन फोर को सॉल्व करते हैं, एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल को एक साइड पर लेकर आ जाता हूँ, यानी कि ये जो हमारे पास फोर डी है, 4d माइनस 2d लिखा जाएगा, ठीक है, 2d जो दूसरी साइड पे है वो प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 4d माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस सिक्स उधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस सिक्स, ठीक है।
अब 4D-2D इज इक्वल टू, बाकी कितने बच गए इसमें से, 2D, 2D इज इक्वल टू 6। ठीक है, 2 को क्योंकि हमें D चाहिए, 2D नहीं चाहिए, तो हम 2 को क्या करते हैं, 6 के नीचे उतार देते हैं डिवीजन में इस तरह से। ठीक है, तो हमारे पास कितना रिजल्ट आता है, D इज इक्वल टू 3। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, इक्वेशन की तरफ। अगले इक्वेशन में हमारे पास अब कोई इक्वेशन ऐसी बाकी नहीं रही जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। हमारे पास पहली इक्वेशन बच रही है, हमारे पास तीसरी इक्वेशन बच रही है, हमारे पास सी आ चुका है और हमारे पास डी आ चुका है। ठीक है, अगर सी आ चुका है तो क्या हम पहली इक्वेशन मालूम कर सकते हैं? हाँ जी, पुटिंग सी इन इक्वेशन वन। अगर हम सी को इक्वेशन वन में डाल देते हैं, मैं एक बार इसको लिख लेता हूँ, ये देखिए अब सी कितनी है, कितना है, सी है 4। अगर मैं इसकी जगह 4 लिख दूँ तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और 4 को अगर उधर ले जाएं तो a इज इक्वल टू -4 वैल्यू निकल आती है। ठीक है, तो हमने d भी मालूम कर लिया, c भी मालूम कर लिया और a भी मालूम कर लिया। अब चलते हैं हम b की तरफ। ठीक है, बाय सॉल्विंग, या हम यूँ कह लें कि पुटिंग a इन इक्वेशन 3। ठीक है, a इन इक्वेशन 3, तो मैंने गलती से यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख दिया, आपको यहाँ पे 3 लिखना है। ठीक है, पुटिंग a इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में जो है वो हम a की वैल्यू को पुट करते हैं। मैं इक्वेशन को एक बार लिख लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं a की वैल्यू पुट कर देता हूँ, a की जगह देखें -4 आ गया। ठीक है, -4 को मैं उधर लेकर चला जाता हूँ बराबर के उस तरफ, तो ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू -7 + 4। ठीक है, -7 + 4 कितना रिजल्ट आता है, -3, सो 2b इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब हमें 2b नहीं चाहिए, हमें जस्ट b चाहिए, तो b इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, इसको अगर आप पॉइंट में चाहते हैं तो पॉइंट में भी हो जाएगा, 1.5 -1.5 रिजल्ट आता है b का। आई होप कि ये पहली एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अभी मैं आपको एक टास्क देने वाला हूँ। ठीक है, आपका टास्क क्या है, आपका टास्क है एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपने p, q, s और t इनकी वैल्यू बतानी है। ये जो आप इसमें 9, शायद आपको ये लग रहा हो, ये इसमें 9 नहीं है, ठीक है, ये Q है। ठीक है, इसके अंदर 9, पूरे क्वेश्चन के अंदर 9 कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, आपको इनकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो आप इसको मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके आंसर को, इस टास्क को करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैथमेटिक्स में आपका स्टेटस क्या है। ठीक है, और आपकी ग्रिप हुई है एक्सरसाइज 1.1 पे या नहीं हुई, ये आप आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।